चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ठीक डोडा भरत रोड पे हैं और मैं आपको दिखाता चलूं जो तस्वीरें अभी यहाँ की है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सब्जी रोड पे है, चाहे कोई भी सब्जी हो बिल्कुल रोड पे डाली गई है। रोड पे डालने की वजह क्या है, हंगामा यहाँ पर हो चुका है, लोग काफ़ी सारे यहाँ पर जमा है। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो दिक्कत यहाँ पर आई, जो सामान अभी बिल्कुल रास्ते पर डाला गया है, सब्जी सारी रास्ते पर डाली गई है, आखिर वजह क्या है, ये सब्जी जो है ये आखिर किसने यहाँ पर डाली है, कब यहाँ पर डाली है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम इधर चोरियाँ करते थे, ड्रग्स बेचते थे, एफएम बेचते थे, चरस बेचते थे, मेहनत मजदूरी कर रहे थे। हमने एप्लीकेशन भी लिखी, हम एओ साहब के पास गए इधर टाउन हॉल में, उसने कहा कि आप लगाओ कोई बात नहीं है, है। लेकिन जब मैंने मुझे एक हफ्ता जब मुझे कम से कम इधर हो गया, फिर उसके बाद डोडा का चेयरमैन आया, बोलने लगा आपको किसने इजाज़त दी। मैंने बोला कि हाँ जी इधर एओ साहब ने हमें इजाज़त दी इधर लगाने के लिए। नहीं जी आप उठाओ हैं, आपने इसको पूरे इधर गैस एजेंसी को आपने कब्जा किया है, हैं इसको, इसका इंतकाल आपके नाम हो गया है। गरीब मेहनत मजदूरी कर रहे थे, अपना दिन कमा रहे थे, कम से कम 4 या 5 लाख मेरे ऊपर कर्जा है, हैं वो, मगर इन बर्दाश्त ही नहीं हो गया इनको। कोई नोटिस आपको दी गई थी पहले? कुछ नहीं, नोटिस नहीं, खाली आदमी बेचते थे इधर, म्यूनसिपलिटी के आदमी आते थे, हाँ जी ये उठाओ है, आपने क्यों लगाया इधर, आपने गवर्नमेंट की जगह पकड़ी है। जीआर वगैरह काटते थे? हाँ मैंने एक पर्ची, मसा एक हफ्ता हो गया था, एक पर्ची काटी थी मैंने। और एओ साहब ने मुझे ये भी कहा था कि हम ऐसा करेंगे, हम रेंट आपसे कुछ थोड़ा बहुत ले लेंगे, आप बेटा कोई बात नहीं आप करो काम। लेकिन डोडा का चेयरमैन जो है ये एक नंबर का घटिया आदमी है, गरीब को नहीं चाहते हैं कि गरीब यहाँ पे काम करे। हम क्या गांवों से आते हैं, हम क्या चिनाब में छलांग मारेंगे या जंगलों में चलेंगे फिर ये खुश होंगे, है। गरीब इधर काम कर रहा था बेचारा, इधर सब दुकानदारों को पता है जो इधर मार्केट वाले हैं, इधर कितनी गंद थी, है। मैंने कम से कम 1000 रुपये मैंने किराया दिया था, और इधर क्या बोलते हैं घाट नाले में मैंने वो गांधी इधर से पहुंचाई थी, गोबर इधर पेशाब करते थे, मैंने इसको आबाद किया था इधर अपने पेट पालने के लिए। इधर अभी भी देखो आप, कैमरामैन से कहो कि कितनी कहाँ है ये म्यूनसिपलिटी के आदमी, कहाँ है ये स्वीपर, इधर देखो कितनी गंद पड़ी है इधर, कम से कम पूरे डोडा के इधर। अगर कोई गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करेगा ये इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, हम कहाँ जाएंगे। ये देखो कम से कम कितना नुकसान आपका यहाँ पर हुआ? कम से कम आप कम ही समझो, कम से कम 50,000 का नुकसान तो है ही है मेरा यहाँ पर किया गया है। हाँ 50,000 का नुकसान। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ये शॉप कर रहे थे इनका कितना नुकसान यहाँ पर कराया गया, तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं। जी 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 बताए, एओ साहब ने मुझे इजाजत दी थी और उसके तरफ से मुझे कोई इधर इशू नहीं है कि आप मत लगाओ। उसने मैं एओ साहब के साथ कल गया था उधर, कल नहीं परसों, और उधर मैं गया, उन्होंने कहा कि आपके पीछे चेयरमैन पड़ा हुआ है। चेयरमैन का क्या खाया है मैंने, उसके बाप का ना कुछ खाया है ना उसके बेटे का कुछ खाया है, क्यों हमें तंग करते हैं ऐसे खामखा, क्यों हमें काम करने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि अचानक म्यूनसिपलिटी के लोग यहाँ पर आते हैं और सारा नुकसान यहाँ पर कर जाते हैं। अगर ये रेडी यहाँ पर लगाई भी होगी, बाज़ाब्ता जीआर यहाँ पर कटा रहे हैं, तो फिर भी जो है यहाँ पर इतना नुकसान किया, इस सब पे आपका क्या कहना है? पता नहीं, ये पहले हमने एक हफ्ता पहले इनको देखा, यही टोन वाले आए तो इसको ये जगह इन्होंने सेट करके दी, इसने कम से कम 2-3 हज़ार रुपया दिया, मजदूर लगाए, यहाँ कुत्ते मरे हुए थे, बहुत सारी गंद, यहाँ लोग इसको मतलब टॉयलेट इस्तेमाल करते थे, इसने 5-10 दिन वो साफ़ किया, और यही टोन वाले इन्होंने निशाना विशाना दे दिया और वो माल शाह लगाया इधर। आज समझ नहीं आई तो फिर क्यों इसको उठाया, अब समझ नहीं आती कि अगर ये ऐसा करें तो कहाँ जाएंगे। अब सुनने में आया कि कोई कश्मीर से आया है, मुझे पूरा ये पकड़ रहा है तो ये देना चाहते हैं उसको, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, अगर चलो उसको भी देना चाहिए तो कम से कम यहाँ का लोकल जो है वो कहाँ जाएगा, जहाँ जी जी। तो बस बहुत बहुत ये बहुत गरीब है, इसके साथ बहुत नाजायज हुआ, बहुत बुरा हुआ इसके साथ।
और आप भी थोड़ा नीचे। और दूसरी मुझे समझ नहीं आती है, जिस हर यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम करते हैं, टोन वालों की मुझे समझ नहीं आती। अगर ये एक सफाई वाला भी आता है वो भी रेडी वाले को दौड़ाता है, पता नहीं करेंगे क्या लोग। आपसे ये जानना चाहूंगा कि गैस एजेंसी की जगह काफी सालों से डिफंक्ट पड़ी हुई थी, लाखों के हिसाब से क्या करोड़ों के हिसाब से पैसा लगाया गया, आज तक कोई भी तवज्जो इस पे नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ, इससे पहले काफी बार हमने यहाँ मीडिया वालों के साथ भी बोला उनको कि ये सफाई कराओ, एक बार यहाँ डीसी साहब आए, एसपी साहब आए, थोड़ी बहुत सफाई हुई, उसके बाद जब ये लड़का आया इसने भी काफी सफाई यहाँ की, इसने बाद में इन्होंने ही दिखाया कहाँ तक तो माल लगा, चलो लगाया माल, एक हफ्ता अभी नहीं हुआ था तो इसको फिर फेंक दिया, परमिशन भी उन्होंने ही दी थी, परमिशन भी उन्होंने ही दिया था तो उठाया भी उन्होंने ही, समझ नहीं आती है तो क्या हुआ। चाहते क्या है, हम चाहते हैं यही इस लड़के को यहाँ जगह दी जाएगी, जहाँ ये डोडा की गायें रहते हैं, कुत्ते मरे हुए पड़े हैं, अगर वहाँ एक बेचारा अपने बच्चे बीवी को पाले तो कोई बुराई नहीं इसमें। तो आप देख सकते हैं कि कितना कोई नुकसान यहाँ पर कराया गया है, म्युनिसिपैलिटी की तरफ से पहले जगह दी गई है यहाँ पर, हाल है। जी जी जी, ये गरीबों का हाल है, ये देखो ये क्या हो रहा है, आप गरीबों का इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है, गरीब गरीब से गरीब। मेरी मोदी साहब से ये अपील है, वो भी चाय बेचता था, गरीबों को गुंडागर्दी, तानाशाही, गरीबों को ढूंढते हैं, जो दुकान का किराया नहीं है उतना जितना बस स्टैंड में रैली का किराया हो रहा है, कोई इस पे कोई भी कदम नहीं उठा रही है, गरीब दबाए जा क्या इतना। मुझे गवर्नर साहब से मेरी अपील है कि गरीबों की सुनाई सुने, वरना एमएलए के सुनने से काम नहीं चलेगा। तो आप देख सकते, तो आपने देख लिया तस्वीरों में कि हंगामा बहुत बड़ा जो है डोडा में हुआ था, बिल्कुल गैस एजेंसी के पास हुआ था, और कहीं ना कहीं अब पुलिस की तरफ से, म्युनिसिपैलिटी की तरफ से और लोगों की तरफ से आश्वासन दिलाया गया है कि मसले को जल्द से हल किया जाएगा और जो भी कल्प्रिट होगा उसको सामने लाया जाएगा और उसको कड़ी सजा जो है दी जाएगी। लेकिन उसके अलावा जितने भी यहाँ पर सब्जी जो है फेंकी गई थी, अब सब्जी को उठाया जा रहा है और रास्ते को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरे डोडा की अगर हम बात करें तो अभी ट्रैफिक जाम ही काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, चक्का जाम जो है डोडा में हो चुका है, और कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगाए जो है जितने भी रेहड़ी वाले हैं या जितने भी यहां पर लोग हैं वो लगाए बैठे। अब देखना यह है कि किस तरह की कार्रवाई यहां पर होगी, और उसके अलावा आगे का जो भी अपडेट होगा वो हम आपको स्ट्रेट लाइन के माध्यम से दिखाते रहेंगे।